Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3. Unit 3 is Gender Identity Disorder. Unit 3 is from Block 4, MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. So let us start with today's topic. जैसे कि आपको पता है, जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम होती है और जिनके पास टाइम नहीं है पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए. ये उनके लिए है, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो पिन पॉइंट करते हैं आके चैनल के नीचे कि ये ऐसा है ये वैसा है. तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब करें वो लोग जिनको इस चीज़ से इशू है. बेमतलब के कमेंट्स करके दूसरों का टाइम ना वेस्ट करें और ना ही लोगों की अच्छी इंटेंशंस को बुरा बनाने की कोशिश करें. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज़ टॉपिक, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर. जैसे कि आपको पता है, मेरे जो भी वीडियोस होते हैं वो सब सेक्शंस को कवर करते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे वीडियोस की. हर एक टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसको इंक्लूड करूं और आपको एक्सप्लेन कर सकूं उसका उसको अच्छे से. सो लेट अस स्टार्ट विद जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो टॉपिक है जहाँ पे हम जेंडर से रिलेटेड बात करने वाले हैं. ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें इंसान अपनी जेंडर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. नहीं कर पाता मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि सपोज़ कोई मेल है तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, वो उसको फीमेल होना चाहिए था, इस तरह की उसको फीलिंग आती है. तो ऐसे लोगों में इस तरह के अगर बार बार सोच आती है और वो हमेशा अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनना चाहता है, उसकी तरह बिहेव करना चाहता है, या ये चाहता है कि वो अपने पूरा बायोलॉजिकल मेकअप है जो बॉडी का वो उस तरह से कर ले, तो ज़रूर उस इंसान को ये जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है. अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पिंक हाईलाइट है, इसका मतलब ये वो टॉपिक है जो एग्ज़ाम्स में आएगा और पहले भी आ चुका है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है. जो जेंडर आइडेंटिटी है ये एक हर एक इंसान का फीचर होता है, यानी कि हमने जन्म लिया और हमारे अंदर जो आइडेंटिटी एक आती है वो जेंडर को लेके भी आती है. जैसे कि बोलते हैं ना, बेटा हो गया बेटी हो गई, तो हमें कैसे हमारी बॉडी के मेकअप से आइडेंटिफाई किया जाता है कि हम मेल है कि फीमेल है, है ना. तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है जो हमारी सोसाइटी हमें देती है. हमारी सोसाइटी बोलती है कि अगर बॉडी का मेकअप ऐसा है तो ये फीमेल है, अगर बॉडी का मेकअप वैसा है तो ये मेल है. तो ये हमारी जेंडर आइडेंटिटी होती है और उसी हिसाब से फिर हमें बोलने चालने रहने पहनने कपड़े वही सिखाया जाता है हमारे समाज के हिसाब से. तो हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी उस पर्टिकुलर कि वो मेल है कि फीमेल है उसके हिसाब से उसकी आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है. हर एक बच्चा अवेयर होता है कि वो मेल है कि फीमेल है और बहुत छोटी उम्र में उसको पता चल जाता है. उसको खिलौने भी वही दिए जाते हैं कि जिस जेंडर को वो बिलोंग करता है. लड़का है तो उसको कार पकड़ा दी जाएगी, लड़की है तो उसको गुड़िया पकड़ा दी जाएगी. सो ये जेंडर आइडेंटिटी जो है वो वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाती है. ये बाय बर्थ हमें नहीं पता होता कि हम लड़का हैं कि लड़की, हमें सिखाया जाता है, हमारा समाज हमें सिखाता है, तो वही हमारी जेंडर आइडेंटिटी बनने लगती है. और ये इतनी स्ट्रांग हो गई होती है कि हम चेंज नहीं कर पाते उस चीज़ को. यानी अगर बचपन में किसी लड़के को ये बोल के बड़ा किया जाए कि तुम लड़की हो और तुम खिलौनों से खेलोगी, तुम खाना बनाओगी, और जो हमारे बोलने का टेक्निक है उसको भी हम लड़की के फॉर्म में ही बताते जाएं, तो वो बड़ा होके विश्वास नहीं करेगा कि वो लड़का है. तो यू मस्ट बी गेटिंग कि कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गई होती है वो फीलिंग उस पर्टिकुलर जेंडर को लेकर. सो मैं ये स्टेटमेंट इसीलिए दे रही हूँ, ये कहीं लिखा नहीं है ना आपकी बुक में लिखा है, मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हमें बचपन से बीइंग अ गर्ल ये बताया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें इस तरह से रहना है, इस तरह से बोलना है, इस तरह से कपड़े पहनना है, तो बड़े होके अगर मुझे ये बोला जाए कि तुम लड़के की तरह बिहेव करो, तुम लड़का हो, तो मैं नहीं मानूंगी कि मैं लड़का हूँ, है ना. तो वो इसीलिए क्योंकि हमारी वो आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग हो गई होती है एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू चेंज, वो चेंज नहीं होना चाहती है. तो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में अब हम बात करते हैं. ये वो कंडीशन है जहाँ वो इंसान जिसका जन्म में जो उसका जेंडर आया है बाय बर्थ, यानी बॉडी का मेकअप अगर मेल की तरह हुआ है लेकिन वो उसको ये लगता है कि नहीं, उसको फीमेल होना चाहिए था, वो अपने इस जेंडर में खुश नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि वो अंदर से लड़की जैसा महसूस करता है, तो ऑब्वियसली ये इंसान वो है जिसको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर
है, वो अनकंफर्टेबल फील करता रहेगा हमेशा बाय बर्थ, जो उसको अपना जेंडर जो लेके आया है उसमें रहते हुए वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा। उसको कभी भी अपनी सोसाइटी में सही से समझ नहीं आएगा कि उसको क्या करना है, कैसे कैसा रोल प्ले करना है, क्योंकि वो उस तरह का रोल प्ले ही नहीं करना चाहता जैसा बाय बर्थ उसको मिला है, उसको कुछ और फील होता है। इन जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के लिए बहुत सारे टर्म्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि क्रॉस ड्रेसिंग जो लोग करते हैं, या ट्रांसवेस्टिज्म भी कहते हैं इसको, यानी कि कपड़े दूसरे जेंडर के पहनना, जबकि हो आप यानी कि मेल है वो फीमेल के कपड़े पहनने लगे या फीमेल है वो मेल के पहनने लगे, तो इसको ट्रांसवेस्टिज्म कहते हैं या क्रॉस ड्रेसिंग भी कहते हैं। ट्रांसजेंडर टर्म भी यूज़ होता है GID के लिए, एंड ट्रांसएक्जुअलिटी का टर्म भी यूज़ होता है, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा अवेयर हो रहा होगा कि क्या क्या टर्म्स इनके लिए आते हैं। ये जो डिसऑर्डर है GID, ये डिफरेंट होता है ट्रांसवेस्टिज्म में, क्योंकि ट्रांसवेस्टिज्म में क्या होता है, क्रॉस ड्रेसिंग होती है ना, कपड़े बस दूसरे सेक्सुअल अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए दूसरे के कपड़े पहनते हैं खुद के एन्जॉयमेंट के लिए। जो ट्रांसवेस्टाइट होते हैं अपने आप को दूसरे सेक्स से आइडेंटिफाई नहीं करते, यानी कि वो सिर्फ कपड़े पहनने में मज़े करते हैं लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता कि हमें वही होना चाहिए। कोई मेल है वो कपड़े ज़रूर फीमेल के पहनना पसंद करेगा लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि वो फीमेल बन जाए। आर यू गेटिंग मी? तो दैट इज़ ट्रांसवेस्टिज्म। ट्रांससेक्सुअलिज्म के जहाँ पे बात आता है वो अलग चीज़ है वो, और इनको इस टर्म से भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ड्रैग क्वींस एंड ड्रैग किंग्स जो टर्म्स हैं वो ट्रांससेक्सुअलिज्म के लिए नहीं है, ये दोनों भी अलग अलग हैं। ट्रांसवेस्टिक फिटिश ये फैटिशस की बात कर रहे हैं, ये वही है, ट्रांसवेस्टिज्म को ही बोलते हैं ट्रांसवेस्टिक फैटिशम। तो जो ट्रांसवेस्टिक फैटिशम है ये क्या बोल रहा है, इसका ट्रांससेक्सुअलिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, बहुत कम लेना देना है। ट्रांससेक्सुअल पीपल जो होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, दूसरे जेंडर के कपड़े पहनेंगे, दूसरे जेंडर की तरह बिहेव भी करेंगे, और इनका जो बिहेवियर होगा जिस तरह से ये बिहेव करेंगे वो बिल्कुल दूसरे जो जेंडर जिसकी तरह वो बिहेव कर रहे हैं उससे बहुत आइडेंटिफाई होगा, आपको पहचान में आ जाएगा कि भाई ये अपने जेंडर जैसा बिहेव नहीं कर रहा, दूसरे जेंडर जैसा बिहेव कर रहा है। नाउ कमिंग टू जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का ओरिजिन कैसे हुआ, ये 1950s एंड 1960s की बात है जब साइकोलॉजिस्ट ने स्टार्ट किया था पढ़ने के लिए कि जेंडर डेवलपमेंट होता कैसे है यंग बच्चों में, बच्चों को कैसे पता चलता है कि वो लड़का है कि लड़की है, अपने आप कैसे आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो इसी एफर्ट में एक होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी समझने की कोशिश की गई, और जो भी चीज़ें आई सामने उस ये पता चला कि होमोसेक्सुअलिटी को इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर की तरह लेना शुरू किया। ये मानते थे कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ ए काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर उस टाइम पे। नाउ लेटर ऑन साइको एनालिस्ट जो थे रॉबर्ट स्टॉलर, उनको एक क्रेडिट दिया जाता है जेंडर आइडेंटिटी टर्म इंट्रोड्यूस कराने के लिए। रॉबर्ट स्टॉलर ने पहली बार जेंडर आइडेंटिटी टर्म इंट्रोड्यूस कराया था, और एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन मनी, ये इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जहाँ पे इन्होंने थ्योरीज बनाई है जेंडर आइडेंटिटीज़ के ऊपर। तो पहले की जितनी भी थ्योरी जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर आई है वो जॉन मनी ने ही बनाई है। उन्होंने ये बताया कि कुछ एज तक, एक पर्टिकुलर एज तक जो जेंडर आइडेंटिटी होती है ये फ्लूइड होती है, मतलब कि एक परमानेंट स्टेटस नहीं लेती है, और ये सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन होती है, मतलब कि ये चेंज हो सकती है। एक पर्टिकुलर एज तक ऐसा रहेगा कि इंसान को अगर आप कल के दिन जाके ये बोलोगे कि भाई तुम लड़की नहीं हो तुम लड़का हो तो वो मान भी जाएगा, ऐसी तरह की उसको बोलते हैं फ्लूइड होना, मतलब परमानेंट नहीं बनी होती वो चीज़, तो उस वो हम नेगोशिएट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, ऐसा ये जॉन मनी कहते हैं। नाउ सिगमंड फ्रॉयड क्या कहते हैं, सिगमंड फ्रॉयड का हमेशा हर जगह पे पार्टिसिपेशन रहा है, उनके खुद के अपने विचार रहे हैं और कई जगह पे लोग उसको फॉलो भी करते हैं। तो वो क्या बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे कि फैलिक स्टेज जो होती है डेवलपमेंट की उसमें जेंडर आइडेंटिटी का
बहुत बड़ा रोल है। जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ में ओईडिपस कॉम्प्लेक्स आ जाता है, और जो गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अब ओईडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है ये मैं बताऊँ। इसमें क्या होता है कि जो बॉयज़ हैं, यंग बॉयज़ हैं, जिनमें ओईडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, वो स्टेज होती है जब उसका, उस बॉय का अट्रैक्शन अपनी मदर की तरफ हो जाता है, यानी अपोजिट सेक्स इज मदर, तो मदर की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है और फादर से वो जेलस फील करने लगता है, एंड फादर बिकम्स अ कॉम्पिटिशन फॉर हिम। उसको हेटरेड होने लगती है, जेलसी होने लगती है फादर से, क्योंकि फादर इज़ विद मदर, सो वो देख के उसमें कॉम्पिटिशन डेवलप हो जाता है और वो अपने फादर से बेटर बनने के लिए उन्हीं को कॉपी करना शुरू कर देता है, वो जैसा बिहेव करते हैं, एंड इस तरह से उसमें जेंडर का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ऐसा फ्रूड कहते हैं। सेम इज़ विद गर्ल इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो गर्ल होती है उसका अट्रैक्शन अपने फादर की तरफ हो जाता है और वो जो अपनी मदर है उससे जेलस फील करती है और मदर से बेटर दिखने के लिए वो मदर की कॉपी करती है या मदर जैसा बनना चाहती है, और उसमें फिर वो फीमेल वाली कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगती है, ऐसा सिगमंड फ्रूड कहते हैं। नाउ DSM-3 आया था, थर्ड एडिशन इसका आया था 1980 में, और जो जेंडर आइडेंटिटी का नोशन है ये भी पहली बार DSM-3 में बताया गया था। उन्होंने ये बताया कि ये दो तरीके के होते हैं, जेंडर डिस्फोरिया करके इन्होंने टर्म बताया था, साइकियाट्रिक डायग्नोसिस जो इन्होंने दिया था इस इशू को, उसका नाम इन्होंने रखा था जेंडर डिस्फोरिया। अगेन इन्होंने ये बोला था कि जेंडर डिस्फोरिया जो है ये दो फॉर्म्स में होता है, एक है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, जिसे GIDC कहते हैं, ये बच्चों का था, और जो एडोलेसेंट्स और एडल्ट्स में था उसका उन्होंने नाम रखा ट्रांससेक्सुअलिज्म। ये दो टर्म्स इन्होंने इसके लिए निकाले थे अलग अलग एज ग्रुप के सेट के हिसाब से। नाउ जब DSM-3 रिवाइज्ड आया थर्ड, तो उन्होंने एक थर्ड डायग्नोसिस भी इसमें डाल दिया। इसमें इन्होंने थर्ड डायग्नोसिस का नाम रखा जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड का, जिसको इन्होंने नॉन ट्रांससेक्सुअल टाइप था जो, वो नाम दे दिया। बट लेटर ऑन क्या हुआ, जब DSM-4 आया 1994 में, तो देखिए 14 साल बाद आया, 14 साल बाद जब ये आया तो उसमें इन्होंने ये सारे के सारे टर्म्स जो बताए थे ट्रांससेक्सुअलिज्म और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में, GIDC जिसे कहते हैं ऑफ चाइल्डहुड, वो इन्होंने सारे हटा दिए और इन सारे जो डिसऑर्डर थे इनको कोलैप्स कर दिया, मतलब मिला दिया, और उसका एक कॉमन नाम रख दिया जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो DSM-4 में पहली बार जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के नाम से इन चीज़ों को मेंशन करना शुरू किया। नाउ कमिंग टू ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसजेंडर के बारे में हम क्या जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि वो ट्रांसजेंडर है, जैसे कि ट्रांससेक्सुअल जिनको हम कहते हैं। ट्रांससेक्सुअल्स कौन होते हैं, जिन्होंने अपना सेक्स का रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई है, कभी वो कराते हैं कभी नहीं भी कराते हैं, लेकिन वो चाहते हैं, वो मानते हैं कि वो ट्रांससेक्सुअल्स वो होते हैं जिन्होंने अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को चेंज करवाया है। ट्रांसवेस्टाइट होते हैं जो दूसरे अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह बिहेव करते हैं, उन्हीं की तरह अडॉप्ट होना चाहते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एम्बिगुअस जेनाइटेलिया होता है जिनका, जिनके जेनाइटल्स जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ना मेल जैसे होते हैं ना फीमेल जैसे होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जेंडर की तरह परफॉर्म करना चाहते हैं जबकि बॉडी नॉर्मल होती है उनकी, और ये वो लोग भी हो सकते हैं जो एम्बिगुअस जेंडर्स को कैरी करते हैं, वो भी ऐसा हो सकते हैं, या जिन ऐसे भी हो सकते हैं जो बिहेव तो वैसा करते हैं लेकिन उनके जेंडर का कोई रोल नहीं होता उस चीज़ में, न्यूट्रल रहते हैं जो। तो चार मेन कैटेगरीज हैं जो ट्रांसजेंडर के बारे में कुछ कुछ कहती हैं। वो क्या क्या कहती हैं ट्रांसजेंडर के ऊपर जो स्टडी हुई है, वो मेन चार कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। पहली है जो एसेंशियलिस्ट होते हैं या फिर नेचुरलिस्ट होते हैं। एसेंशियलिस्ट या नेचुरलिस्ट होते हैं, ये वो ग्रुप है जो ये बिलीव करता है कि सेक्स और जेंडर में कोई डिफरेंस नहीं होता, दो जेंडर हैं सिर्फ और वो चेंज नहीं किए जा सकते, ऐसा मानते हैं नेचुरलिस्ट। मतलब जो जो हमें जन्म से मिला है बस उसको लो, उसको एक्सेप्ट करो और उसी को फॉलो करो, ऐसा ये मानते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं,
ये ग्रुप वो है जो बिलीव करता है कि सेक्स और जो जेंडर है ये कंसीडर किया जाता है सोशल इंटरेक्शन का ही पार्ट, ये एक सोशल इंटरेक्शन का पार्ट है। इनको मतलब सेक्स और जेंडर जो है ये एक कंस्ट्रक्शन है हमारी बॉडी का, और इसी की वजह से हमारी सोसाइटी भी बनी है, हमारी सोसाइटी भी इसी के बेसिस पे रोल का डिवीजन हुआ है एंड ऑल। तो हमारे ये ज़्यादा इस चीज़ को महत्व देते हैं, ये इस चीज़ को महत्व नहीं देते कि भाई फेमेल फीमेल ऐसे कैटेगराइजेशन इन्होंने नहीं किया है। नाउ थर्ड जो है क्यों, क्योंकि अच्छा इसमें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में एक और बात बताऊं कि इसमें इन्होंने सोशल इंटरेक्शन के लिए बताया कि इन्होंने जेंडर और जो सेक्स है ये सिर्फ सोशल इंटरेक्शन का ही एक पार्ट है, यानी कि इसी वजह से लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मेल फीमेल आपस में बातचीत कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव फॉर पर्पस, है ना, सोसाइटी कैसे बनेगी, लोग एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, तो ये एक कारण हो सकता है, ऐसा ये कहते हैं। परफॉर्मेंस की अब थर्ड जो कैटेगरी है वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, तो ये कहते हैं कि जेंडर जो है ये अगर आप समझना चाहे तो इसको परफॉर्मेंस के थ्रू समझ सकते हैं, परफॉर्मेंस स्टडीज़ के थ्रू समझ सकते हैं, और ये बोलते हैं कि हमें बॉडी पोजीशन पोस्चर या फेशियल एक्सप्रेशन या प्रॉक्सिमिटी वॉइस मॉड्यूलेशन स्पीच पैटर्न सोशल स्पेस क्लोदिंग और कॉस्मेटिक्स जिस तरह के ये लगाते हैं इन सब चीज़ों से हमें इंसान के जेंडर का रेवलेशन हो जाता है, यानी हम ये पता लगा सकते हैं वो किस जेंडर से बिलोंग करता है। ये दोनों चीज़ों को अलग मानते हैं, सेक्स और जेंडर को। सेक्स इज़ व्हाट जो बायोलॉजिकली हमें मिला है, जेंडर इज़ इंसान क्या समझता है वो क्या है। तो ये परफॉर्मेंस के थ्रू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जेंडर को। नेक्स्ट है मेमोरी एंड लैंग्वेज जनरेशन। ये जो ये ग्रुप है वो बॉडी को इस तरह से देखता है वर्ड के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, और किस तरह का कल्चरल लैंग्वेज है उसके थ्रू ये इंसान को देखता है, किस तरह से हम अपने बॉडी से एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुद को अपने वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं या हमारी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके हिसाब से ये देखता है। ये इस तरह से इन्होंने बताया है कि हमारी डीपर जो नॉलेज है हमारी बॉडी के बारे में वो क्या रजिस्टर हुई है हमारे माइंड में, और हो सकता है जिस तरह का हम सोचते हैं उस तरीके से रजिस्टर ना हुई हो। सो ऐसा ये मेमोरी एंड लैंग्वेज जनरेशन की कैटेगरी सोचती है। बहुत सारी फील्ड्स हैं जो इसके बारे में पढ़ना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, वो क्या कहती हैं, जो बहुत सारे डिसिप्लिन हैं जिसके जो इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, ट्रांसजेंडर के बारे में पता लगा सकते हैं, वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है जो ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ाई करता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल पढ़ता है, एंड देन साइकोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, साइकियाट्री ये भी आप जानते हैं, सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज एंड मेन्स स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज, ये सारे जो ब्रांचेज है डिसिप्लिन है इनमें इसके बारे में पढ़ाई की जा सकती है। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है वो पर्सन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत डिस्कम्फर्ट वाले हो जाते हैं जिसको ये वाला डिसऑर्डर होता है, और क्योंकि उनका जो बायोलॉजिकल सेक्स ओरिएंटेशन है वो अलग है, उनके बायोलॉजिकली जो उन्हें मिला है वो अलग है और जो फील करते हैं वो अलग है, इस वजह से ये बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। इनके इन जिन लोगों को ये GID होता है वो हमेशा स्कूल में या अपनी वर्क प्लेस पे या अपनी सोसाइटी में कहीं किसी भी सेटिंग जो होगी उसमें भी इनको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, इनको ऐसा लगेगा कि इनको ट्रीटमेंट चाहिए है, कभी कभी इनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बन जाती हैं इसी वजह से, इनको डिप्रेशन होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, ये ड्रग्स अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करने लगते हैं, कभी कभी कुछ सुसाइड अटेम्प्ट्स भी करते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते खुद को इस तरह के इश्यूज़ के साथ, तो इसीलिए ये ऐसी चीज़ों में भी चले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इनमें ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। बहुत सारे ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल जो एक्टिविस्ट हैं वो भी और जो इनके केयर गिवर्स हैं ये भी इस बारे में पॉइंट आउट करते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट द पर्सन हु इज़ नोटिसिंग दिस की जेंडर आइडेंटिटी का इशू उनके साथ है, उनको प्रॉब्लम इसीलिए आती है या वो इतने सीवियर ड्रास्टिक स्टेप्स ले लेते हैं क्योंकि समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता जिस तरह के वो हैं,
और उनके साथ जो इश्यूज हैं वो उनको डील नहीं कर पाते, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. अदरवाइज दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग व्हाट देयर जेंडर आइडेंटिटी इज एंड व्हाट देयर सेक्सुअल प्लेसमेंट या सेक्सुअल ओरिएंटेशन किस तरह का है, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनकी बॉडी में क्या मिला है उनको, उससे भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इज विद सोसाइटी, सोसाइटी किस तरह से उन्हें हैंडल करती है, ट्रीट करती है. नाउ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे आज. जैसे कि जिनको भी GID हुआ है वो हमेशा इस तरह की फीलिंग शो करते हैं कि ये जो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग है वो ऑलवेज उनके साथ होती है. वो हमेशा उनके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि दे डू नॉट बिलोंग टू दिस बॉडी, वो इस बॉडी से बिलोंग नहीं करते, ऐसा उनको हमेशा लगता रहता है. और ये बहुत छोटे बचपन में ही उनको महसूस होने लगता है. अगर उनको छोटे बचपन में नहीं होता तो एडोलेसेंस में तो ज़रूर, जब तक एडोलेसेंस आती है उनकी तब ज़रूर उनको महसूस होता है. और कभी कभी तो एडल्टहुड पे आते आते उनको रियलाइज़ होता है कि येस दिस बॉडी इज़ नॉट माइन. अब जब डायग्नोसिस जो होता है ऐसे लोगों का, उन वो कुछ क्राइटेरियाज हैं जो फुलफ़िल होने चाहिए तभी हम इनको डायग्नोस कर पाएंगे कि इनको इस तरह की प्रॉब्लम है. वो कौन कौन से चीज़ें हैं वो हमें देखना पड़ेगा. जैसे कि इनको डिसकॉन्टेंटमेंट रहेगा, ये हमेशा फुलफ़िल नहीं फील करेंगे कि हम कंप्लीट हैं, इस तरह का फीलिंग नहीं आएगा. उनका जो बायोलॉजिकल सेक्स है उससे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. उनका आइडेंटिफिकेशन हमेशा ऑपोजिट बायोलॉजिकल सेक्स से होगा, यानी कि मेल है तो उसको फीमेल से ज़्यादा महसूस होगा कि वो फीमेल है. बॉडी उनकी मेल की होगी लेकिन फीमेल जैसा लगेगा, या बॉडी फीमेल की है तो उसको मेल जैसा लगेगा, इस तरह की फीलिंग हमेशा आती रहेगी. ये हमेशा यही याद रखेंगे और ऐसा लगेगा उनको कि जैसे उनकी जो बॉडी है वो किसी और की है और वो किसी दूसरे किस जैसे कि मेल की बॉडी में वो ट्रैप हो गई है कोई फीमेल, इस तरह का उसको महसूस होगा. या फीमेल है तो उसको लगे, जिसको फीमेल जैसी फीलिंग आती है या उसको है उसकी मेल की बॉडी, तो उसको यही लगेगा कि वो है फीमेल लेकिन मेल बॉडी में ट्रैप हो गई, यानी कि रॉन्ग बॉडी में वो ट्रैप हो गया, इस तरह का उसको महसूस होगा. दो कंपोनेंट हैं जो हम डायग्नोसिस में रिलेट कर सकते हैं. डायग्नोसिस के टाइम पे हमें देखना होगा GID के कि वो है कि नहीं. अगर ये दो कंपोनेंट है तो हम बोलेंगे इस इंसान को GID है. पहला कि उस इंसान में एक स्ट्रॉन्ग और परसिस्टेंट ग्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन होगा, यानी कि हमेशा उसके दिमाग में ये चलता रहेगा, बहुत स्ट्रांगली चलता रहेगा कि वो इस बॉडी से रिलेट नहीं करता, ये बॉडी उसकी नहीं है, वो उसको अपोजिट सेक्स की बॉडी में होना चाहिए था ऐसा. और या फिर उसको डिज़ायर होगा, उसको इच्छा होगी कि वो वैसा रहे, उस तरह से रहे, और हमेशा इंसिस्ट करेगा कि दूसरे जैसा बने, दूसरे सेक्स जैसा बने. और ये भी ध्यान रखना है, जब भी ये क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन रहेगी तो ये सिर्फ इस वजह से नहीं होना चाहिए कि उसके कल्चरल एडवांटेज की वजह से नहीं होना चाहिए. कल्चरल एडवांटेज का मतलब क्या है? कल्चरल एडवांटेज मतलब कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कल्चर में किसी पर्टिकुलर सेक्स के पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. जैसे कि पैट्रियार्चियल कंट्री जो होती है उसमें मेल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मेल्स की बात मानी जाती है. तो कुछ कल्चर्स में इतना स्ट्रांग होता है कि फीमेल को मुँह खोलने तक की आज़ादी नहीं होती. तो कभी कभी कुछ फीमेल्स मेल बनना चाहती हैं, उनसे नहीं बर्दाश्त होता कि उनको कोई दबा के रखे. तो वो ये सोचती है अगर मैं मेल हो जाऊँ तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, तो वो जेंडर चेंज करने के लिए चली जाती है. बहुत रेयर केस है लेकिन इट डज एग्जिस्ट. सो ये कल्चरल एडवांटेज के लिए भी होता है. कभी कभी उस पर्टिकुलर कल्चर में एक पर्टिकुलर जेंडर के लोग सर्वाइव नहीं करते तो भी ऐसा होता है कि जेंडर अपना सेक्स चेंज करने के लिए परसिस्टेंट एक्टिविटी होती है उनमें. दूसरा जो फैक्टर आपको देखना है वो ये, या जो मैंने ऊपर बताया, तो ये कल्चरल एडवांटेज के लिए नहीं होना चाहिए. ऐसे ही उसको महसूस होना चाहिए कि भाई हमेशा से वो ऐसा फील करता है कि दूसरा जेंडर होना चाहिए उसका, दूसरा सेक्स होना चाहिए. एक और चीज़ ये कि वो हमेशा परसिस्टेंट डिस्कम्फर्ट रहे उसके अंदर, हमेशा वो डिस्कम्फर्ट फील करे जो भी उसको सेक्स मिला है, उसके शरीर में जो भी बॉडी ऑर्गन जिस तरह का है उसको लेकर वो हमेशा डिस्कम्फर्ट रहे, और हमेशा इनअप्रोप्रिएटनेस फील करे, सेंस ऑफ इनअप्रोप्रिएटनेस रहे उसके जेंडर रोल में, कि वो उसको जो काम पकड़ाया जाए उसमें वो हमेशा उसको ऐसा लगे कि नहीं ये काम मेरा नहीं है,
मुझे नहीं करना, इस तरह का फीलिंग आए, तो ये दो चीज़ें अगर उसमें होती है तो हम उसको GID का नाम दे देंगे। अगेन कुछ और चीज़ें जो आपको नोटिस करने वाली हैं और सीखने वाली है इसमें, वो ये कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो उनमें GID जिनको होता है वो उनका बचपन, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड सबको अफेक्ट करता है। ये डिसऑर्डर हर एक एज ग्रुप में होगा। ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ बचपन में था एंड आगे जाके वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाते हैं, उनको GID नहीं है। लेकिन जिस इंसान को बचपन से लेके बड़े तक कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली ऐसा हो रहा है उसको GID है। स्ट्रॉन्ग क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन आपको इनमें दिखाई देगा। ये ऐसा बिलीव करेंगे कि इनको ऑपोजिट सेक्स में होना चाहिए। ये अनकंफर्टेबल रहेंगे अपने सेक्सुअल रोल में, हमेशा ये अपने ऑर्गन्स को लेकर अनकंफर्टेबल रहेंगे, हमेशा ये बोलेंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे कि भाई मेरी बॉडी दूसरी होनी चाहिए, मैं दूसरी बॉडी चाहिए मुझे, मेल है तो फीमेल की बॉडी चाहिए, फीमेल है तो बोलेगा मेल की बॉडी चाहिए, इस तरह से वो हमेशा एक्सप्रेस करेंगे अपने डिज़ायर्स को। जिनको भी GID होता है वो ट्रांससेक्सुअल्स के नाम से लेबल किए जाते हैं, कुछ सेक्स चेंज प्रोसीजर के लिए भी जाते हैं। इसके बारे में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे के वीडियोस में समझेंगे और पढ़ेंगे, जहाँ पे कैसे सर्जरी की जाती है, कैसे सेक्स चेंज ट्रांसफ़र, सेक्स चेंज सर्जरी जब होती है तो हमें किस तरह की काउंसलिंग देनी होती है, ये सब हम आगे के वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग आगे। तो अभी फ़िलहाल आप ये चीज़ें ढंग से सुन ले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रोसीजर के लिए चले जाते हैं जब ये सारे एग्ज़ाम्स पास कर लेते हैं, इनका भी प्रॉपर टेस्ट होता है, ऐसा ही नहीं कि किसी ने बोला और उसने करवा लिया, ऐसा नहीं होता। तो ये तरह तरह के तरीके से होते हैं। नाउ जो एडल्ट्स हैं जिसमें GID है, ये अपनी जो लाइफ है वो एज अ मेम्बर ऑफ अपोजिट सेक्स भी लिव करते हैं। जैसे कि वो इंसान ने जेंडर चेंज नहीं कराया लेकिन वो दूसरों के कपड़े पहन के पूरी ज़िंदगी काट लेता है, ऐसा भी करता है वो इंसान, और हम किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये हमेशा अनकंफर्टेबल फील करते हैं अपनी खुद की बायोलॉजिकल या जेनेटिक सेक्स को लेकर। कभी कभी क्रॉस ड्रेसिंग भी आप देखते हैं इनमें, जैसे ऊपर भी मैंने बताया क्रॉस ड्रेसिंग होती है कि फीमेल के कपड़े पहन के घूमते हैं मेल्स, क्यों? क्योंकि उनको ये जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो सकता है, होता है इस वजह से, और ये पब्लिक एरिया में भी कंफर्टेबली चले जाते हैं वैसे कपड़े बदल के, तो ऐसा भी देखने के लिए मिला है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेक्स चेंज की सर्जरी के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं, बट सिंस इट इज़ कॉस्टली तो सबके बस की नहीं होती, तो जिनके बस की होती है वो करवा लेते हैं, जिनकी नहीं होती वो ऐसे ही चलाते हैं। कई लोग समाज को नहीं फेस कर पाते, एक्सेप्ट समाज के सामने खुल के नहीं बोल पाते कि उनका साथ ऐसा है, तो इस वजह से भी होता है। सो दिस फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, सो दैट सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। मेरा एक ही पर्पज़ है वीडियो बनाने का, कि मैं सबकी हेल्प कर सकूँ। अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो प्लीज़ आई अपोलोजाइज फॉर दैट, सिंस आई एम ऑल्सो अ लर्नर, एंड ज़िंदगी में इंसान पूरी ज़िंदगी भर सीखता है, मैं भी सीख रही हूँ, और अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ, गलत करती हूँ, तो उसके लिए अपोलोजीज। इसको बिल्कुल आप वैसा ना ले कि भाई अपने आप को मास्टर समझ रही है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जितना आता है मैं उतना आपको बता सकती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कई जगहों से सीख सकते हैं। सो इन काइंड वर्ड्स के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, बाय, टेक केयर।